हेलो एवरीवन वेलकम टू फाइनेंस बायशान अर्पिता आज की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट हमने पिछली वाली वीडियो में देख लिया है कि कितना इम्पोर्टेंट है इन्वेस्टमेंट एक्विटीज़ में टू बीट इन्फ्लेशन क्योंकि एक्विटीज़ में रिटर्न ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट्स सो द कंक्लूजन दैट वी ड्रॉ फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर वॉज टू इन्वेस्ट इन equities but how to delve into this कैसे हमें पता चलेगा कि ये पूरा सिस्टम ऑपरेट करता है जैसे आपको पता है आपका नियर बाय किराना स्टोर वर्क करता है सिमिलरली स्टॉक मार्केट भी वर्क करता है स्टॉक मार्केट वो प्लेस होता है जहाँ पर हर बंदा जाकर कर ट्रांजैक्ट कर सकता है ऐसे ही सिंपल वर्ड्स में ट्रांजैक्ट मतलब बाइंग या सेलिंग यू कैन बाय और सेल शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी कंपनीज लाइक इन्फोसिस विदाउट ट्रांजैक्टिंग थ्रू द स्टॉक मार्केट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस तो मेन पर्पज़ स्टॉक मार्केट का है टू हेल्प यू फैसिलिटेट योर ट्रांजैक्शन। तो अगर आप चाहते हैं कोई स्टॉक को बाय करना स्टॉक मार्केट में आपको बायर्स भी मिलते हैं और सेलर्स भी मिलते हैं अनलाइक सुपर मार्केट या आप किराना स्टोर की बात करो तो वहाँ पर खाली वन वे आप जाते हो आपको चीज़ समझ में आती है तो आप ख़रीद लेते हो लेकिन यहाँ पर बाय सेल दोनों चीज़ें होती हैं Uh, जो आप स्टॉक मार्केट में बात कर रहे हो यहाँ पर बाय और सेल दोनों होती हैं यू एक्सेस द मार्केट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू योर कंप्यूटर एंड गो अबाउट कंडक्टिंग द ट्रांजेक्शन आप मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके कर सकते हो या डेस्कटॉप पर भी यूज़ कर सकते हो लेकिन इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट में कैसे एक्सेस करते हैं वाई रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी उसे हम बोलते हैं स्टॉक ब्रोकर हम ये स्टॉक ब्रोकर के बारे में आगे पढ़ेंगे हमारे कंट्री में इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वन इज़ बी एस सी अदर इज़ एन एस सी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इनके अलावा रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस भी हैं जैसे बैगलौर स्टॉक एक्सचेंज मद्रास स्टॉक एक्सचेंज दे आर मोर और लेस गेटिंग फेस्ड आउट एंड डज नॉट रियली प्ले एन एनी मीनिंगफुल रोल एनी मोर अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड द नीड टू रेगुलेट दैम स्टॉक मार्केट अट्रैक्ट करते हैं काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स कॉपोरेट्स जो डाइवर्स बैकग्राउंड्स के हैं जो भी ट्रांजैक्ट करता है स्टॉक मार्केट में उसे हम मार्केट पार्टिसिपेंट बोलते हैं और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ये कैटेगरीज मैंशनड है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट फर्स्ट अब फर्स्ट होता है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट सेकंड एनआरआई और ओसीआई थर्ड होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस फोर्थ आर एम सीस एंड फिफ्थ फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब जान लेते हैं डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं वो वो लोग होते हैं लाइक यू और मी जो ट्रांजेक्ट करते हैं मार्केट में एनआरआई और ओसीआई क्या होते हैं वो लोग होते हैं जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं बट बेस्ड आउटसाइड इंडिया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं वो लार्ज कॉपरेट एंटिटीज़ होते हैं जो बेस्ड होते हैं इंडिया में लेकिन क्लासिक एग्जाम्पल लें हम इसका तो एल ऑफ इंडिया फोर्थ डोमेस्टिक एसिड मैनेजमेंट कंपनीज ये आपने काफ़ी बार सुना होगा और भी क्लासिफिकेशंस आपने सारी सुनी होंगी दे आर नॉट दैट Uh, चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी टिपिकल पार्टिसिपेंट्स इस कैटेगरी के होंगे म्यूचुअल फ़ंड कंपनीज लाइक एस बी आई म्यूचुअल फ़ंड डी एस पी ब्लैक रॉक एच डी एफ सी एम सी आई सी आई सी आई एम सी फिफ्थ की बात करें तो दैट इज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये होते हैं नॉन इंडियन कोपरेट एंटिटीज़ दे कुड बी फॉरन एसिड मैनेजमेंट कंपनीज हैज फंड्स या अदर इन्वेस्टर्स ना इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट हर कोई एजेंडा होता है सबका कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो हर ट्रांजेक्शन पे मोर ब्लंटली बात करें टू मेक मनी मेन एम होता है हर पार्टिसिपेंट का टू मेक मोर एंड मोर मनी जब मनी इन्वॉल्व होता है तो ह्यूमन इमोशन इन फॉर्म ऑफ ग्रीड और फियर रन होते हैं बहुत ज़्यादा वन कैन बी ईजिली पे ऑफ दीज इमोशन एंड गेट इन्वॉल्व इन अनफेयर प्रैक्टिस तो इंडिया का फेयर शेयर ऑफ सच ट्विस्टेड प्रैक्टिस थैंक्स टू द हर्षद मेहता ऑपरेशन एंड लाइक गिवन दैट स्टॉक मार्केट को चाहिए कुछ समन हु कैन गेट द गेम रूल्स कॉमनली रेफर टू एज द रेगुलेटर्स और द कम्पलायंस एंड टू इंश्योर दैट कि सारे लोग रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें और सारे कम्पलायंसेज होए तो मार्केट मेक लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरी वन तो रेगुलेटर्स आ जाते हैं अब रेगुलेटर्स की बात करें तो इंडिया में स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जिसे बोलते हैं तो ऑब्जेक्टिव सेबी का क्या होता है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और प्रमोट uh, करते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स uh, का भी प्रोटेक्ट uh, करते हैं इंटरेस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स का भी और रेगुलेट करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स और फाइनेंशियल इंटरमीडरी एक्टिविटीज़ को इन जनरल स्टॉक जो हमारा सेबी uh, है वो इंश्योर करता है कि बीएससी और एनएससी कंडक्ट करे बिजनेसेस फेयरली स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स कन वो भी कंडक्ट करें अपने बिज़नेसेस फेयरली पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व ना हो अनफेयर प्रैक्टिस में कॉपरेट्स डू नॉट यूज़ द मार्केट टू अनड्यू बेनिफिट दमसेल्वस फॉर एग्जाम्पल सत्यम कंप्यूटर्स आप सबको पता है स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर इंट्रस्ट आर प्रोटेक्टेड छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो लार्ज इन्वेस्टर्स जिनका ह्यूज कैपिटल पाइल अप होता है शुड नॉट मैन्यूपुलेट द मार्केट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मार्केट मेन एम होता है सो इट बिकम्स इम्पेरेटिव टू सेबी टू रेगुलेट द फॉलोइंग एंटिटीज़ तो सारी एंटिटीज़ मैंशनड जो हैं यहाँ पर हमारी सेबी हैज हेज़ अ सेट ऑफ़ रूल्स एंड रेगुलेशन टू ईच एंटिटीज़ यहाँ पर आप रेगुलेटर में देख सकते हैं सारी एंटिटीज़ कौन सी कौन सी हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये सारे डिस्कस करते हैं सो द एंटिटीज़ शुड ऑपरेट विद इन द लीगल फ्रेमवर्क एज प्रिसक्राइब बाय सेबी तो स्पेसिफ़िक रूल्स एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक एंटिटीज़ आर मेड अवेलेबल टू सेबी ऑन देयर वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं तो फर्स्ट एंटिटी की बात करें दे आर द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एग्ज़ाम्पल के तौर पर बात करें तो क्रिसल यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस नेम आई सी आर ए केयर तो ये जो हैं वो रेट करती हैं क्रेडिट वर्दनेस कॉपरेट की और गवर्नमेंट की सिंपल शब्द में बात करें तो अगर एक कॉपोरेट या गवर्नमेंट एंटिटी अवेल करना चाहती है लोन तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी चेक करती है इफ़ द एंटिटी इज वर्दी ऑफ गिविंग अ लोन सेकंड इज डिबेंचर ट्रस्टी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स इन इंडिया तो वो एक्ट करते हैं ट्रस्टी टू कॉपरेट डिबेंचर अगर आ, एक कंपनी रेस करना चाहती है लोन तो वो इशू कर सकते हैं डिबेंचर्स अगेंस्ट विच दे प्रॉमिस टू पे इंटरेस्ट अगर एक कंपनी को लोन चाहिए तो वो अपने डिबेंचर्स इशू कर सकती है और उसके अगेंस्ट दे हैव टू पे इंटरेस्ट तो पब्लिक कैन सब्सक्राइब टू दीज डिबेंचर्स और ये डिबेंचर ट्रस्टी इंश्योर करते हैं कि डिबेंचर ऑब्लिगेशन इज ऑनर्ड राइट नाउ डिपॉजिटी डिपॉजिटीज़ ये कौन होते हैं इसका एग्जाम्पल लें तो एन एस डी एल सी डी एस एल तो ये डिपॉजिटीज uh, होते हैं डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये Um, अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये हमने ऊपर भी बात करी थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं ये बल्क में परचेज़ करते हैं लेकिन ये इंडिया में नहीं रहते ये रहते हैं बाहर दे आर बेस्ड आउट ऑफ इंडिया एंड दे परचेज़ इंडियन शेयर्स अगर जैसे आप चाहते हो कि मे को फेसबुक के शेयर्स मिले या आप चाहते हो मे को एप्पल के शेयर्स मिले तो आप यहाँ से दूसरे कंट्री के शेयर्स परचेस करोगे बेसिकली राइट right? तो ऐसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये हमारे जैसा छोटा नहीं खेलते ये खेलते हैं बड़े में दे प्ले so, इन बल्क सो इनमें यही होता है कि हम तो छोटे प्लेयर्स हैं वी आर रिटेल इन्वेस्टर्स ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं तो आ, दे आर अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ये फॉरन एंटिटीज़ होती हैं जो विद इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन इंडिया उनका इंटरेस्ट होता है इंडिया में इन्वेस्ट करने का तो दे यूजली ट्रांजैक्ट इन लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड हैंज देयर एक्टिविटीज इन मार्केट दे हैव एन इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट सेंटिमेंट दे मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया और हमने जो ऊपर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हमारे आई थिंक रह गए सो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द बैंक्स एंड फ्यू स्टॉक ब्रोकरस तो दे एक्ट एज एन एजेंट टू द टू डिपॉजिटरीज यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद एन एस आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते एन एस डी एल और सी डी एस एल से यू नीड टू लाइज विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स टू ओपन एंड मेनटेन योर डी मैट अकाउंट फॉरन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हमने पढ़ लिया डिपॉजिटर्स आपको पता है डिपॉजिटरीज एन एस डी एल या सी डी एस एल ये सेफ कीपिंग रिपोर्टिंग एंड सेटलमेंट ऑफ क्लाइंट सिक्योरिटीज का देखते हैं सिंपल भाषा में बात करें तो दे एक्ट लाइक अ वॉलेट टू द शेयर्स दैट यू बाय तो डिपॉजिटरीज होल्ड योर शेयर्स और फैसिलिटेट करते हैं द एक्सचेंज ऑफ योर सिक्योरिटीज आप बाय कर सकते हो शेयर्स Uh, जब आप बाय करते हो शेयर्स ये शेयर्स सेट करते हैं एक डिपॉजिटरी अकाउंट में जिसे आप बोल सकते हो डी अकाउंट बोल नहीं सकते डी अकाउंट होता है दिस इज मैंशनड ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली पहले ऐसे फिजिकली डी मैट अकाउंट नहीं होते थे फिजिकली शेयर्स uh, ख़रीदे बेचे जाते थे अब ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है फॉरन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हमने देख लिया अब मर्चेंट बैंकर्स क्या होते हैं मर्चेंट बैंकर्स जैसे आपको पता है एक्सिस बैंक एडलवाइज कैपिटल ये कंपनीज होती हैं ये हेल्प करती हैं कंपनीज को रेज करने के लिए मनी इन प्राइमरी मार्केट अगर इफ अ कंपनी प्लान्स टू रेज मनी बाय फ्लोटिंग एन आईपीओ अगर एक कंपनी को मनी रेज करना है एक आई फ्लोट करने के लिए करने के बाद तो ये मर्चेंट बैंकर्स आर वन हु हेल्प कंपनीज विद द आई प्रोसेस जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का प्रोसेस होता है उसमें मर्चेंट बैंकर्स हेल्प करते हैं अब एसिड मैनेजमेंट कंपनीज क्या होती हैं ये सबको पता है एच डी एफ सी एसिड मैनेजमेंट कंपनी रिलायंस कैपिटल एस बी आई कैपिटल आई सी आई सी आई ए एम सी तो ये ऑफर करती है म्यूचुअल फंड स्कीम्स एक ए कलेक्ट करती है मनी पब्लिक से पुट करती है मतलब उस मनी को एक सिंगल अकाउंट में डालती है और ये इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में विद एन इंटेंट टू मेक इन्वेस्टमेंट ग्रो और जनरेट वेल्थ अब पी क्या होता है पी एम ये आपने सुना होगा पराग पारेक पी तो ये ऑफर करते हैं पी एम एस स्कीम्स दे वर्क सिमिलर टू अ म्यूचुअल फंड एक्सेप्ट इन अ पी एम एस मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल uh, फंड में तो पाँच सौ रुपये से भी एस आई पी कर सकते हो लेकिन पी एम एस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट पच्चीस लाख होती है देर इज नो सच कैप इन म्यूचुअल फंड और मैक्सिमम लिमिट कैन बी इनफाइनाइट अब स्टॉक ब्रोकरस और सब ब्रोकरस क्या होते हैं ये हो गए जीरोधा शेयर खा आई सी आई सी आई डायरेक्ट तो ये एक्ट करते हैं इंटरमीडिएटरी इन्वेस्टर के बीच में और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में वेन एवर यू वॉन्ट टू बाय और सेल शेयर्स एक स्टॉक एक्सचेंज uh, में तो यू हैव टू गो थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर तो एक सब ब्रोकर इज लाइक अ एजेंट टू स्टॉक ब्रोकर सो दीज आर All the entities or the regulators. So the key takeaways from this chapter are aapne आपने पहले वाले चैप्टर में देखा था स्टॉक मार्केट में अगर आ, मतलब सबसे ज़्यादा रिटर्न अगर आपको इन्फ्लेशन को आ, कट करना है सबसे ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो नोइंग अबाउट स्टॉक मार्केट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है और इन्फ्लेशन को काटता है मतलब जितना इन्फ्लेशन हो रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न आपको इन्वेस्टिंग इन एक्विटीज़ यू गेट मोर रिटर्न तो स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस टू गो इफ यू वांट टू ट्रांजैक्ट इन एक्विटीज़ सो एक्विटीज में जाना है तो स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस टू गो और स्टॉक मार्केट में स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करती इलेक्ट्रॉनिकली एंड कैन बी एक्सेस थ्रू अ स्टॉक ब्रोकर देर आर मैनी काइंड ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट ऑपरेटिंग इन द स्टॉक मार्किट बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं एवरी एंटिटी ऑपरेटिंग इन द मार्केट हैज़ टू बी रेगुलेटेड एंड दे कैन ऑपरेट ओनली विद इन द फ्रेमवर्क एज प्रिस्क्राइब बाई द रेगुलेटर सेबी एक रेगुलेटर है इज़ अ रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया वो सेट करते हैं एक लीगल फ्रेमवर्क और रेगुलेट करते हैं सारी एंटिटीज़ को इंटरेस्टेड इन ऑपरेटिंग इन द मार्केट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू नीड टू रिमेंबर दैट सेबी इज़ अवेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग एंड दे कैन फ्लैग यू डाउन इफ यू आर अपॉन समथिंग फिशी इन द मार्केट सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो आई होप यू got you gathered gathered a lot of knowledge from this video please share it with your friends if your friends are interested in learning stock market. thanks for watching please subscribe to the channel we are coming up with this uh, series on uh, what to invest uh, the need to invest regulators English chapter I taking a financial intermediaries. So, stay tuned for that uh, mod. Uh, so, this is the first module, and that is the third chapter of the module, Financial Intermediaries, that we will be coming up in the next chapter. Thanks for watching. Bye bye. Please subscribe to the channel.